इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वेदांता स्टॉक के बारे में, और इस स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि डाउनग्रेड रेटिंग कंपनियों के द्वारा किया गया है, उसके बाद भी पिछले 5 डेज के निगेटिव ट्रेंड के बाद भी इस स्टॉक में बड़े डाउन ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? ये लास्ट लगभग पिछले 1 मंथ के पहले के जो रिवर्सल हैं वो इस बात का संकेत है कि इस स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रमोटर ने ऑलरेडी शेयर को प्लेस कर रखे हैं। और 208 के नीचे की गिरावट स्टॉक में मार्क टू मार्क सेलिंग आएगी, जो इस स्टॉक को पेनी स्टॉक बना देगा। यहाँ रिसेंट में देखेंगे तो डाउनग्रेड क्रिसिल के द्वारा तो करा गया, लेकिन मैं बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकली मंथली 10% के अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में 2% के डाउन ट्रेंड वीकली ट्रेंड में दिखा। आज के कामकाज को देखें तो बायर के कंपेरेटिवली सेलर तो डोमिनेंट है, लेकिन बायर उस सेलिंग को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते दिख रहा है। मोर देन 60% की डिलीवरी एज ऑफ नाउ 24 नवंबर को दिखे हैं। और चार्ट के माध्यम से देखें तो हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी कहा था कि इस स्टॉक में एक बड़े ट्रेंड इस समय 252 के ऊपर दिखेगा, 252-254, ये एक सेलिंग जोन है। और एक बार ये स्टॉक 254 के ऊपर जाता है तो इजिली 284-320 प्लस तक के लेवल्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप एक वैल्यू बाइंग जोन चाहते हैं तो 233 और 220 के बीच में धीरे धीरे इसको एक्युमुलेट करें, जहां 210 के नीचे के एसएल को लेंगे। पहला टारगेट यहां 255 और उसके बाद 284 और 340 तक के लेवल्स दिखेंगे। जब तक ये 220 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे तब तक स्टॉक में वीकनेसेस नहीं आएगी। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मुझे स्ट्रांग ही दिख रहा है, बजाय कि स्टॉक अभी भी गिर रहा है।